मेरे प्यारेओ, प्रभु यीशु दे नाम विच तुहाडा स्वागत करदा हां। आस है कि सब ठीक ठाक होवोगे। प्रभु विच सदा आनंदत रहना है। जीवन दा मतलब है कि कुछ ना कुछ संघर्ष होवेगा, पर आनंद भी होवेगा। जदों जीवन च संघर्ष आउंदा है ते परमेश्वर उस संघर्ष तों सानू छुटकारा दिंदा है, तां असीं बहुत आनंद ते मगन हुंदे हां ते महसूस हुंदा है कि ओह साडे नाल है। जे संघर्ष नहीं होवेगा तां मसीही जीवन नीरस होवेगा। इसलिए जीवन विच संघर्ष जरूरी है। मैं एक भैण बारे जानदा हाँ जो हमेशा प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे जीवन विच संघर्ष ही नहीं है, अज तू कोई ना कोई संघर्ष भेज तां कि मैं ज़्यादा प्रार्थना कर सकां। मसीही जीवन का मतलब ही यह है कि असी संघर्ष विच हमेशा आनंद रहना है। इहो मसीही जीवन है, क्योंकि साढ़े सारे संघर्षों विच परमेश्वर सानू जित दिंदा है अते परेशानियां तो छुड़ाउंदा है, ते सानू ये महसूस होंदा है कि ओ साड़ियां सारियां मुसीबतां विच साड़े नाल है, ते सानू सब परेशानियां विच मेरे नाल बनिया रहिंदा है, ते मेरी अगवाई करदा है कि हर गल विच आनंदित रहां। इसलिए हिम्मत नाल कहना है, कोई भी संकट होवे मैं उसका सामना कर सकता हाँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे नाल है। कि कदे संकट करके नाश होए हो? कुछ देर लई उन्हां मुसीबतां नूं वेख के सानू डर जरूर लगता है, पर अज ओह सारियां मुसीबतां नूं दूर करेगा। पर उन्हां दा सामना करन लई सानू की करन दी लोड़ है? असीं वेखांगे कहावतां दी पुस्तक 29 अध्याय उसदी 5 आयत। इत्थे लिखिया है, जिहड़ा यहोवा उत्ते भरोसा रखदा है ओह सुख सांद नाल रहेगा। वचन विच इह लिखिया है, जो यहोवा उत्ते भरोसा रखदा है ओह सुख सांद नाल रहेगा। इस दा मतलब है कि असीं परमेश्वर उत्ते भरोसा रखना है अते कहना है, ओ मेरा पिता है, ओ ही मेरी माता है, ओ ही मेरा भरा है, ओ ही मेरा सब कुछ है। ते जे ओ मेरे नाल है तां कोई भी दुनिया दी ताकत मेरा कुछ नहीं विगाड़ सकती, ओ मैनू संभालेगा। जेकर तुसीं अपना पूरा भरोसा परमेश्वर उत्ते रखोगे तां सुख सांद नाल रहोगे अते ओ तुहानू उच्चे थां उत्ते रखेगा। ओ किसे साधारण थां ते नहीं रखेगा, परमेश्वर तुहानू उच्चे थां उत्ते रखेगा ते उत्थे सुरक्षित भी रखेगा। इस दा मतलब है कि ओ तुहानू इन्ने उच्चे थां उत्ते रखेगा जिथे शैतान कदे नहीं पहुँच सकेगा। यानी शैतान दियां भेजियां कोई भी मुसीबतां, परेशानियां, तकलीफां तुहाडे तक नहीं पहुँच सकणगियां। इन्ने उच्चे थां ते रखेगा ते संभालेगा। तुसीं उकाबां बारे जाणदे होवोगे कि उन्हां दा जो वसेबा हुंदा है, मतलब कि अपने आलणे नूं ओह कित्थे बणाउंदे हन। ओह अपने आलणे नूं बहुत उच्ची थां ते चट्टानां विच बणाउंदे हन, ते इस तरीके नाल बणाउंदे हन जिथे उन्हां दे बच्चे सुरक्षित रहण, कोई उन्हां तक पहुँच ना सके। ते इस तरह उकाब अपने बच्चों नूं बचा के रखण दी कोशिश करदा है, ते किसी भी तरह दी हनेरी, तूफान जां कुछ भी उत्थे असर नहीं कर सकदा, अते उकाब दे बच्चे उस आलणे विच सुरक्षित रहिंदे हन। ओह आलणा बहुत सुरक्षित हुंदा है। अते इसे तरह परमेश्वर भी, जेकर असी उस उत्ते भरोसा रखांगे तां सानू उच्चे थां उत्ते रखेगा, हर तरह दे खतरियां तों बचावेगा अते सुरक्षित रखेगा। जेकर परमेश्वर आप तुहानू उच्चे थां उत्ते रखेगा तां दुनिया दी कोई ताकत कदे तुहाडा कुछ नहीं विगाड़ सकेगी। तुसीं कदे डरना नहीं है। अज तुसीं इह घोषणा करनी है कि मैं अपना भरोसा परमेश्वर ते रखिया है अते इन्ना काफ़ी है। सो इसलिए अज असीं इह कह के प्रार्थना करांगे, हे परमेश्वर, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मैनू उच्चे थां उत्ते रखिया है, मेरे ते कोई भी तकलीफां परेशानियां नहीं आ सकदियां। मैं प्रार्थना करांगा कि अज विश्वास नाल प्रार्थना करोगे, हे परमेश्वर, तू ही मेरा भरोसा है अते तू ही मेरी आस है, तू ही मेरा सब कुछ है, मैनू उच्चे थां ते रखदा है, तू मैनू संभालदा है, मैनू सुरक्षित रखदा है। सो मैं तेरी उस्तत करदा हाँ प्रभु, मनुखां दे द्वारा जां शैतान दे द्वारा जो भी मुसीबतां मेरे उत्ते भेजियां जांदियां हन जां परेशानियां भेजियां जांदियां हन, तू दूर कर ते सब मुसीबतां तों बचा के सुरक्षित रख। मैं प्रार्थना करदा हाँ यीशु मसीह दे नाम विच प्रार्थना करदा हाँ। आमीन आमीन।